गाइस वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 एरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो ये जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Knight of Wands, the High Priestess, Five of Cups, Eight of Cups, bottom of the deck is Page of Swords। गाइस आपके पर्सन ना आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, बट मुझे ना यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन जैसे ज़बरदस्ती उनको रोका जा रहा है और वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आई थिंक कोई फीमेल फिगर है जो कि उनको आप तक नहीं आने देना चाहती हैं और वो रोक लेना चाहती है। कोई फीमेल फिगर ऐसा दिखाई देती है मुझे जो कि आपके पर्सन को हमेशा आपकी तरफ आने से रोकती है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे वही दिखाई दे रहा है कि अभी भी वही एनर्जी है इसकी कि आपके पर्सन जैसे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे ही वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं रुकावट बनती है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आपसे, हाल फिलहाल बहुत खुश नहीं है, मुझे मजबूरी ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये फीमेल फिगर इनकी सिस्टर या मदर हो सकती हैं, ठीक है, या अदर कोई पर्सन भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों के घरों में क्या होता है कि बुआओं की ज़्यादा चलती है, मौसियों की ज़्यादा चलती है, ऐसा हो जाता है ना। सो यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है जो कि कहीं ना कहीं इनको रोकती है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे मजबूरी दिखाई देती है कि आपके पर्सन जैसे कि मजबूर होकर उनको रुकना भी पड़ता है और अपनी फीलिंग्स को छुपाना पड़ता है। लेकिन जब वो ये सोच में जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो फिर वो दोबारा आपकी तरफ एक्शन लेने की हिम्मत करते हैं। लेकिन फिर ऐसा कुछ या तो इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है या ऐसा कुछ कर दिया जाता है, ऐसा कुछ बोल दिया जाता है जिसके बाद फिर से वो रुक जाते हैं, ठीक है। या फिर वो हो सकता है कि वो स्टेबिलिटी ना दे रहे हो, इन एंड आउट कर रहे हो आपकी लाइफ में, कभी तो बात कर लेते हैं कभी बात नहीं करते हैं, उसके पीछे भी यहाँ पर यही रिस्ट्रिक्शन है। बट हाल फिलहाल मुझे बहुत खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, इमोशनली थोड़ा सा अकेलेपन से गुजर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। और अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका इनकी लाइफ में भी कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है, किसी से भी ज़्यादा बात ये नहीं कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, खुद में है, ये खुद के साथ हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं ये। और मैं यहाँ पर क्लियरली एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना ऐसे हो गए सबसे अलग थलग से, ठीक है, आपसे बात नहीं हो रही तो किसी और से भी नहीं हो रही है इनकी बातें, थोड़े से परेशान से भी मुझे दिखाई देते, इमोशनली थोड़ा परेशान ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके पास भी एक दिमाग है जो कि सही गलत जानता है, क्या सही है और क्या गलत है।
लेकिन ये कहीं ना कहीं सही का साथ नहीं दे पा रहे, सही के लिए लड़ नहीं पा रहे, सही के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि जो सही चीज़ है ना उसके लिए ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहा है, सही के लिए पर्सन लड़ नहीं पा रहा। ऑलराइट, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मुझे उदास और परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको पता है क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मजबूरी देख रही हूँ कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपसे दूर दूर रहते हैं या कभी बात करते कभी नहीं करते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके चलते वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, उसके अलावा एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, एंड जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। नंबर्स की बात करूँ, डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर है 13, 12, 2, 5 एंड 8। मंथ की बात करूँ तो मुझे मंथ दिखाई देता है यहाँ पर अप्रैल और दिसंबर, फरवरी, मई और अगस्त। ओके, कॉम्बिनेशन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे आज की रीडिंग में, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मैं देख नहीं पा रही हूँ। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ कॉइंस। ऑलराइट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी मुझे दिखाई देते हैं हाल फिलहाल। तो हर्ट है ये एक्चुअली, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर। इनका दिल दुखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये वो नहीं कर पा रहे जो इनका मन करता है करने को। ये आपके साथ रहना चाहते हैं ये मुझे दिखाई देता है, यहाँ तक कि आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम का साथ कहीं ना कहीं आपके साथ चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है मिस भी आपको बहुत करते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अपने थॉट्स में कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ इनको उलझन पैदा होती है, चाहे इनको समझ नहीं आता कि क्या मुझे करना चाहिए, सो काफ़ी उलझे हुए से ये रहते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो ये अच्छे वक्त के इंतज़ार में है, या मैं ये कहूँ कि इनका इनको ऐसा हो रहा है कि हमारी किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है जहाँ पर इंसान के मन में ऐसी चीज़ें आती हैं। ये कार्ड ये बताता है कि इंसान के मन में ना ऐसी चीज़ें आती है कि हमें हमारी किस्मत मिलवा देगी, या अब किस्मत के हाथों में है, वक्त के हाथों में, ईश्वर के हाथों में, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा, या कब वो सही वक्त आएगा, कब वो अच्छा वक्त आएगा जब कुछ चीज़ें चेंज होगी। बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन अब चेंजेस चाहते हैं, जो भी अभी चल रहा है ना हाल फिलहाल करंट की एनर्जीज़ में, आपके पर्सन चाहते हैं कि इनमें चेंजेस आ जाए, क्योंकि इन हालातों में वो नहीं रहना चाहते, उनको बदलाव चाहिए। उनका ये कि चेंजेस होने चाहिए, मुझे ऐसे हालात नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए अपने हालातों में, क्योंकि ये जो अभी टाइम चल रहा है ना इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, इनका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है और घुटन होती है ना इंसान को, तो ये घुटन महसूस कर रहे हैं।
ऑल राइट. सो इनकी लेट नाइट की एनर्जी में दिखाई देता है, ये बहुत सोचते हैं चीज़ों के बारे में और सोच सोच के इनको बहुत परेशानी होती है, घुटन महसूस होती है, अपने दिल की बात किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट है, जबकि जानते हैं क्या सही है क्या गलत है लेकिन उसके बावजूद भी सही के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और बहुत परेशान से हैं. सबसे अलग अलग से ही हो गए, मतलब गुमसुम से रहते हैं, अपने रूम में बैठे होंगे चुपचाप से, किसी से बात नहीं करनी कुछ नहीं, और बस दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, अलग अलग तरीके के थॉट्स चलते रहते हैं. और दो तरीके के थॉट्स आते हैं, या एक तो ये आता है जब कोई रास्ता नहीं दिखता कि हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएंगे, दूसरा क्या होता है, दूसरा ये आता है कि कब चीज़ें बदलेंगी, कब अच्छा वक्त आएगा, यू नो इंतज़ार कर रहे हैं कब चीज़ें बदलें. बट मुझे यहाँ पर मजबूरी दिखाई देती है. हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हो, मतलब आप दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ हो, आप दोनों के बीच में इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आपके इन लॉज की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और यू नो फैमिली है ये ना तो पूरी तरीके से आपके साइड जा पा रहे हैं, ना पूरी तरीके से फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीच में स्टक हो गए, क्योंकि इनके लिए फैमिली भी इंपॉर्टेंट है. बट आई थिंक कि इनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया जो कि या ना तो ये इधर जा सकते हैं ना ही इधर जा सकते हैं. इनके लिए कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये इनके लिए ना बहुत मुश्किल वाला वक्त चल रहा है अभी. सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो और फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे में इनको इतना बुरी उस पर फंसा दिया है कि तुम्हें कोई एक चीज़ देखनी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, राइट? तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर. लेट्स सी, यहाँ से देख लेती हूँ और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर के. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और क्या कुछ फील करते हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चलता है. I forgive you. I'm starting to understand our connection. हो सकता है कि कुछ चीज़ें जब ऐसी बिगड़ी, हालात बिगड़े, चीज़ें अलग हुई, तो हो सकता है आपने भी गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया हो, आपकी तरफ से भी ऐसे रिएक्शंस गए हो जो कि आपको भी ये लगता है कि नहीं सही नहीं थे, बट उसने भी ये वैसा ही किया, आपका कहना ये है. तो यहाँ पर उन चीज़ों के लिए ये कहीं ना कहीं आपको माफ़ कर चुके हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है आपकी साइड से तो. और इनका ये कि मैंने यू नो अंडरस्टैंड करना शुरू किया है, चीज़ों को समझ आ रही है धीरे धीरे करके, कि तुम्हारी इतनी भी बड़ी, मतलब आपकी इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं थी उन आपके पर्सन के अकॉर्डिंग. उनको ये लगने लगा है अभी, ठीक है, कि आपने कोई इतना भी बड़ा कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, जिसके लिए नाराज़गी बहुत बड़ी दिखाई जाए. तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को माफ़ कर चुके हैं, जैसे जैसे चीज़ों को समझ रहे हैं तो ये आगे बढ़ रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं. आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स, कुछ ना कुछ वोन्स हैं, चाइल्डहुड वोन्स हैं कुछ ना कुछ. हो सकता है बचपन से प्यार की कमी रही है, हो सकता है इनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट रही है या बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट की है, इमोशंस का वहाँ कोई काम नहीं है. और एक प्रैक्टिकल फैमिली में एक इमोशनल बच्चा हुआ, यू नो जिसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल चीज़ें चाहिए, लेकिन सब लोग बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करते हैं. हो सकता है इनकी लाइफ में हमेशा से ऐसा रहा हो, प्यार की बहुत कमी रही है, चीज़ें मिली नहीं, जिसको चाहा, जिन चीज़ों को चाहा वो नहीं मिली, बाकी सब मिला. तो ये सारी चीज़ें हो सकता है रही हो इनकी लाइफ में. इनका बचपन से लेके अब तक का टाइम काफ़ी टफ रहा हो, बचपन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों जो कि बहुत ख़राब रहे हों इनके. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनको अभी अकेलेपन में तंग करती हैं, परेशान करती हैं, क्योंकि इनके दिमाग में यही घूमता है कि हर चीज़ मुझसे दूर हो गई, कुछ मुझे नहीं मिला लाइफ में, ऐसा इनके ज़्यादातर रहता है. आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, आपके सपने ये कहीं ना कहीं देखते हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, ठीक है, आपके सपने ये देखते हैं. हाँ, हालात ऐसे कुछ कर नहीं पा रहे लेकिन ये आपको चाहते हैं अभी भी, ठीक है. आई थिंक अब इनकी उम्मीदें ऊपर वाले से हैं कि वो कुछ करें, और हो सकता है आपकी भी उम्मीदें हों. आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, एंड यहाँ पर है I was thinking of you last night. कल रात ही आपके बारे में सोच रहे थे, एंड I think कि कल रात इनके दिमाग में चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी कि शायद आप मूव ऑन हो गए हो, शायद आप आगे बढ़ गए हो या आगे बढ़ रहे हो, ऐसा इनको फील हो रहा था कल रात, ठीक है. सो ये इनकी कल रात का थॉट था, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ जाओगे या बढ़ गए तो क्या होगा. आई थिंक इस तरीके की एनर्जी में है. आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर, जितना ही आपको चाहते हो उतना किसी और को नहीं चाहते हैं
इनका ये, और इनको ऐसा भी लगता है शायद ये किसी और को चाह भी नहीं पाएंगे उतना. आई हैव सो मच टू से यू, बहुत कुछ है इनके पास आपसे कहने के लिए, बहुत सारी बातें इनको करने, इनके मन में बहुत सारी बातें हैं आपको लेकर के जो कि आपसे करना चाहते हैं. आई थिंक इनका बात करने का बहुत मन करता है. बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर इनके दिमाग में चल रही है जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, बट यू नो होप्स लेकर के ये बैठे हुए हैं, ये मुझे दिखाई देता है. यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, आपके लिए मैसेज है. आपको पता है कि आप बहुत सुंदर हो, कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए. योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एल ऑल एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट. ओके, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हों कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर के. आप दोनों के बीच में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि यू नो वो जो समझाना चाह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, गड़बड़ उलझ गई हैं, जहाँ आप हो सकते हैं अपनी जगह सही और वो अपनी जगह सही है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है. ऐसे में मुझे दिखाई देता है यू नो हो सकता है कुछ ऐसा बिहेवियर आपकी तरफ से जा रहा हो जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. तो यू नो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अच्छा नहीं लग रहा है इनको. हो सकता है कभी कभी बात करते हैं आपसे और आप अब इनको रिस्पॉन्स ना कर रहे हो, क्योंकि आपका ये कि कभी कभी बात करना क्या होता है, यू नो कभी कभी आपको समझ नहीं आ रहा उनका, आपको लग रहा है ये कभी कभी क्यों आता है, क्यों ना आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो. सो आप आई थिंक हो सकता है आपने रिप्लाई ना दिया हो, तो ये जो चीज़ है इनको अच्छी नहीं लग रही है, इनको हर्ट कर रही है. आई एम इन कम्प्लीट विदाउट यू, ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ. मे बी आई नेवर टोल्ड यू बट योर आईज़ आर सो ब्यूटिफुल, ये कहने के मैंने कभी तुम्हें ये बात बताई नहीं होगी कि तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर हैं, आपकी आँखें इनको अच्छी लगती हैं. आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी, हो सकता है कुछ गलत फहमी आपके पर्सन को ही हुई हो आपको लेकर के, तो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं. ठीक है, आई नो आई हर्ट यू, ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, बट ये उसके लिए सॉरी फील करते हैं. लास्ट मैसेज, डोंट थिंक अबाउट यू ऑलवेज ट्राइड बट ऑलवेज फेल, कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें लेकिन हमेशा इस कोशिश में फेल हो जाते हैं. आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं. और अभी मैं आपके लिए मैसेजेस देखूँगी. यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, उनके लिए मैसेज दीजिए. क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें. अटैचमेंट नंबर 5, एनवी नंबर 20 एंड नंबर 2, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रैफियल नंबर 38, यानी कि नंबर 11 एंड नंबर 2. सो यहाँ पर ना यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, सबसे पहले तो ना यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो गाइस. ओके, आपको अपनी हार्ट चक्रा के ऊपर हाल फिलहाल काम करना चाहिए, एक तो मैसेज ये है. एंड आई थिंक आप भी बहुत स्पाई करने की कोशिश करते हो अपने पर्सन को, जासूसी करने की कोशिश करते हो. सो यहाँ पर ऐसा है कि ये नहीं करना है आपने. ठीक है, कर सकते हो बट आई थिंक इससे आपको इफ़ेक्ट होता है, आप नेगेटिव हो जाते हो काफ़ी टाइम. बहुत बार ऐसा होता है आपके साथ कि आप नेगेटिव हो जाते हो जासूसी वगैरह करने से, ओवरथिंक बहुत करने लगते हो और चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता, उसी पर बार बार ध्यान जाता है. तो इसलिए ना यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, क्योंकि जब आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करोगे और आपका हार्ट चक्रा हील होगा ना, तो जिन चीज़ों का जवाब आप चाहते हो ना, उनके जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे. ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि क्या होता है कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी हमें चीज़ों से दूर कर देती है. जब हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर लेते हैं ना कुछ चीज़ों से, तो हमें वो चीज़ें दूर कर देती. देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यूनिवर्सल जो लॉ है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो कैसे काम करता है और क्यों बोलते हैं कि ज़्यादा अटैचमेंट भी अच्छी नहीं है. वो इसलिए बोलते, क्योंकि देखो कोई एक इंसान है जो कि आपके हाथों के पीछे पड़ा है, ठीक है,
आपको लग रहा है वो पीछे पड़ा है, बट उसको आपसे कोई अटैचमेंट हो गई है, ठीक है, जिसके चलते वो आपको बार बार कॉल मैसेज ये वो बार 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 बार, बट आप बहुत इरिटेट हो रहे हो उसके बार बार इस तरीके की चीज़ें करने से, ठीक है, आपको बहुत इरिटेशन हो रही है कि यार ये इतना क्यों वो हो रहा है, यू नो, इतना ज़्यादा लाइक वो इतना शो कर रहा है कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊँगा ये वो, तो कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन होगी, एक फ्रस्ट्रेशन होगी कि मतलब ये क्या है, और आप उससे दूर भागने की कोशिश करोगे, एंड ये होता है हमेशा, ठीक है, जब भी कोई हाथ दोगे या किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिवनेस दिखा दे या बहुत ज़्यादा इस तरीके से हो जाए ना इंसान की लाइक उसके बिना कुछ नहीं है, सो वो पर्सन भागने लगता है क्योंकि उसको वहाँ घुटन होने लगती है कि यार ये तो बहुत प्रेशर सा आता है उसके ऊपर। तो यूनिवर्स और ये जो एनर्जीज है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कुछ ऐसे ही काम करती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो करोगे ना कि मैं तो भाई नहीं रहा जा रहा उसके बिना, वो चीज़ हमेशा दूर भागेगी, क्योंकि आप इंसानों की हम सब भी एक एनर्जी हैं, और आप हमारे अंदर ही देख लो, हम भी भागते हैं जब कोई चीज़ हमारी तरफ बहुत तेज़ी से आती है, हम भी भागते हैं, जब कोई इंसान यू नो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हम भी उससे भागने की बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें वो एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी फील करा रही होती है, अच्छी नहीं लग रही होती, तो हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे कि इसको थोड़ा कम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगी या आपको अंदर ही अंदर परेशान कर देगी, तो ये चीज़ नहीं करनी। अभी हाल फिलहाल आप अपने 7 चक्रा का अगर मेडिटेशन करते हो तो आप अपने हार्ट चक्रा पर ज़्यादा फोकस करो, और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए, जिसमें भी आपको अपने हार्ट चक्रा पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी आपके लिए, ठीक है, ओवरऑल आपकी बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प कर देगा। ओके सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।